बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों का आया तूफान। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया काफी तूफानी खतरनाक रोमांचक मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह तो वहीं घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो आज तक न कर पाए वो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने कर दिखाया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया काफी खतरनाक विस्फोटक रोमांचक मुकाबला। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, भारतीय टीम जब 3 ODI मुकाबले श्रीलंका से हारी थी, पहला मुकाबला टाई हो गया था और 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम को, तो बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा खुशी से झूम रहे थे, उछल रहे थे और शायद उन्हें लग रहा था कि T20 के मुकाबले तीनों के तीनों हम जीत लेंगे। तो पहले T20 मुकाबले में भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच काफी खतरनाक विस्फोटक मुकाबला खेला गया। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच जब पहले T20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से 2 ओपनर खतरनाक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, SSV जयसवाल और शुभमन गिल दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। SSV जयसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के से शुरुआत की, तो वहीं शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते तूफानी विस्फोटक तरीके से दूसरे ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी। सुमन गिल ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया तो वहीं छठी बॉल पर एक चौका फिर ठोक दिया और 28 रन ठोक दिए। सुमन गिल और SSV जयसवाल दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। SSV जयसवाल और सुमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान पहला T20 का मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन SSV जयसवाल को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। SSV जयसवाल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से दोस्तों तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। SSV जयसवाल और सुमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब यहां पर अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए और शुभमन गिल कैच आउट का सामना कर बैठे। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर सुमन गिल जैसे ही आउट हुए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक शर्मा आए। अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जिया उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए यहां पर चौथे ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके ठोक दिए, लेकिन पांचवें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जब यहां पर SSV जयसवाल आउट हुए तो मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ और तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी घातक विस्फोटक तरीके से 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर अभिषेक शर्मा को लेकर के भारतीय टीम को 6वें ओवर के काफी बड़ा झटका लगा। 6वें ओवर के तीसरी बॉल पर जब कैच आउट का सामना कर बैठे अभिषेक शर्मा, दोस्तों अभिषेक शर्मा जब आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋषभ पंत ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी तो वहीं 7वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लग गया जब ऋतुराज गायकवाड़ 32 रन ठोकर के आउट हुए। भारतीय टीम के 4 खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तो विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। 8वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के हार्दिक पांड्या ने ठोक दिए। 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ठोक दिए। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या
दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक हुंकार विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, यहां पर ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा रखा था, तो वहीं हार्दिक पांड्या भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने यहां पर 10वें ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव को चौका ले लिया, 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक रन लिया और स्ट्राइक यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दे दी। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, जब तूफानी खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 48 यानी कि 48 रन ठोक करके आउट हो गए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जब आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि ऋषभ पंत काफी बेहतरीन और विस्फोटक लंबी पारी खेल सकते थे। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया, जिसने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, वो बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव है। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी घातक विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक तरीके से अपने बल्ले को लहराते हुए 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 12वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, जब 52 रन ठोक करके अर्धशतकीय पारी खेल करके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आउट हुए। दोस्तों हार्दिक पांड्या काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। अब हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक शेर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। जी हां, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर युवराज सिंह का माथा चकरा गया। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़े अपना नया ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के खतरनाक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कोहराम मचा दिया। रिंकू सिंह ने अपने बल्ले को लहराते हुए काफी घातक विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान दौड़कर यहाँ पर रिंकू सूर्या का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव भी काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी माथा चकरा गया। सूर्य कुमार यादव की रिंकू सिंह की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर मैदान पर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। दोस्तों पहले T20 के मुकाबले में ही रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करने के लिए, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। 15वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका रिंकू सिंह ने ठोक दिया, 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक सूर्य को दे दी। सूर्य ने 15वें ओवर की पांचवीं बॉल पर छक्का ठोक दिया और छठी बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव की ओर छक्का ठोक दिया, तो वहीं यहां पर 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। दोस्तों रिंकू सिंह काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर फिर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए, तो वहीं 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके यहां पर रिंकू सिंह ने ठोक दिए। 20वें ओवर तक जाते आते भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने कमाल की विस्फोटक बल्लेबाजी की और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहां
जहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू और यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने शतकीय, तो वहीं दोहरी शतकीय पारी खंड आई। जब बांग्लादेश की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी और जीत की उम्मीद से उतरी और यही सोच रही थी कि पहला T20 का मुकाबला जीत कर हम सीरीज में अपनी जो है पूरी की पूरी सीरीज जीत कर दिखाएंगे। बांग्लादेश के दो बल्लेबाज मैदान पर आए, कुलदीप यादव पहला ओवर लेकर के गए। कुलदीप यादव ने पहले एक ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह, जहाँ पर हर्षदीप सिंह ने सिर्फ 3 रन दिए। यहाँ पर चौथा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज ने एक विकेट चटका दिया और 11 रन दिए। तो वहीं पाँचवा ओवर लेकर के गए अक्षर पटेल, काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज अक्षर पटेल ने पांचवें एक ओवर में यहां पर आप सभी को बता दें एक विकेट चटका दिया। तो वहीं छठा ओवर लेकर गए मोहम्मद सिराज ने, यहां पर 11 रन दे दिए। सातवां ओवर लेकर गए यहां पर अक्षर पटेल ने, यहां पर 4 छक्के 2 चौके दे दिए। बांग्लादेश के दो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए और उन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 9वें ओवर तक जाते आते भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने यहाँ पर 4 विकेट चटका दिए और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के दो बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के जब 4 विकेट लगातार 9वें ओवर तक गिर गए और यहाँ पर 100 रन नहीं बन पाए तो बांग्लादेश के दो बल्लेबाज ऐसे आए जो छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोक रहे थे, क्योंकि 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। हर्षदीप सिंह के 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। 12वां ओवर लेकर जब कुलदीप यादव गए तो लगातार 3 छक्के 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। जब 13वां ओवर लेकर के मोहम्मद सिराज गए तो 2 चौके और 3 गगन चुंबती छक्के ठोक दिए। बांग्लादेश के दो बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक कहर भरी बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें पहला T20 का मुकाबला हार जाएगी, लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटका दिया और उन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी को तोड़ डाला। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए और बुमराह की तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी ने कमाल कर दिया। तो वहीं रवि बिश्नोई ने यहां पर 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटका दिया। तो वहीं 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट कुलदीप यादव ने भी ले लिया और बांग्लादेश की टीम के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा कूद रहे थे, फुदक रहे थे पहला T20 का मुकाबला जीतने के लिए। पूरी की पूरी टीम को 19वें ओवर तक जाते आते ढेर कर दिया और भारतीय टीम ने पहला T20 का वार्म अप मुकाबला जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब